प्रिंसिपल एंड इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होती है, सभी देखते हैं। चलिए देखिए टीएलसी टोटल लिक्विड काउंट, इट मींस टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं इसके अंदर। तो देखिए अपन जो भी सेल काउंट करते हैं, जो सेल काउंट डायरेक्टली माइक्रोस्कोप से नहीं हो सकती, उसके लिए अपन को हिमोसाइटोमीटर या फिर चैम्बर की जरूरत पड़ती है। तो उसी के लिए अपन इसमें काउंटिंग के लिए न्यूवर चैम्बर यूज करते हैं। देखिए प्रिंसिपल देखते हैं इसका, ब्लड मिक्सड विद डब्ल्यूबीसी डायरेक्टिंग फ्लूइड। डायरेक्टिंग फ्लूइड होता है मतलब कि एज ए पतला करना, डब्ल्यूबीसी को पतला किया जाता है जिससे कि दूर दूर होती है वो, मतलब कि जिससे डब्ल्यूबीसी को दूर दूर करके इजीली अपन उनको काउंट कर सकते हैं। तो ये होता है डब्ल्यूबीसी डायरेक्टिंग फ्लूइड कवर एंड प्लेस इन न्यूबार चैम्बर, जिसे न्यूबार चैम्बर के अंदर रखते हैं एंड उसकी सहायता से डब्ल्यूबीसी काउंट कर सकते हैं। ये होता है इसका प्रिंसिपल, इट मीन्स ब्लड मिक्स विद डायरेक्टिंग फ्लूइड एंड डब्ल्यूबीसी डायरेक्टिंग फ्लूइड के साथ में ब्लड को मिक्स किया जाता है एंड न्यूबार चैम्बर के अंदर रख के अपन इजीली डब्ल्यूबीसी काउंट कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल्स देखते हैं, इसके लिए आर्टिकल्स मीन्स क्या क्या, जो भी अपन परफॉर्म करते हैं टेस्ट, तो इसके लिए क्या क्या जरूरत होती है सामान की, देखिए इसे देखते हैं। देखिए जी कोई भी अपन टेस्ट करते हैं, मीन्स कोई भी अपन ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड के रिगार्डिंग जो भी टेस्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले अपन को विदाउट हेजिटेशन ब्लड सैंपल की जरूरत पड़ती है। कि जो भी ब्लड टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ब्लड सैंपल की जरूरत पड़ती है, तो फर्स्ट ऐसे लेते हैं अपन, इसके अंदर ब्लड सैंपल लेते हैं वो भी ईडीटी है, ईडीटी की जरूरत पड़ती है इसमें, ओके जी। एंड नेक्स्ट लेते हैं डब्ल्यूबीसी प्रीपेड। देखिए डब्ल्यूबीसी प्रीपेड क्या होता है, डब्ल्यूबीसी काउंट कर रहे हैं तो इसके लिए डब्ल्यूबीसी प्रीपेड होती है। डब्ल्यूबीसी प्रीपेड कुछ ऐसी होती है, देखिए ऐसा होता है इसमें, यहाँ पे मार्किंग होती है, यहाँ पे होता है 0.5 एंड इसमें होता है वाइट बीड्स, एक सफेद बिंदी होती है, एंड यहाँ पे मार्किंग होती है 11 और ये होता है रबर टेस्ट, ये होता है डब्ल्यूबीसी प्रीपेड। एंड नेक्स्ट लेते हैं डब्ल्यूबीसी डायलेटिंग फ्लूइड। डायलेटिंग फ्लूइड होता है कि जैसे पतला करता है उसे, कि जैसे उसमें सटी हुई होती है डब्ल्यूबीसी, तो उनको दूर दूर करके अपन इजीली काउंट कर सकते हैं। ये होता है डायलेटिंग फ्लूइड कवर एंड कवर स्लिप। कवर स्लिप कुछ ऐसा होता है जिसे न्यूबार चैम्बर के ऊपर रखा जाता है, जिससे कि उसके अंदर कोई भी एनवायरमेंट इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए कवर स्लिप का यूज करते हैं। एंड न्यूबार चैम्बर, न्यूबार चैम्बर देखिए, न्यूबार चैम्बर हेमेटोसाइटोमीटर का ही प्रकार होता है न्यूबार चैम्बर, एंड न्यूबार चैम्बर लेते हैं, इसमें न्यूबार चैम्बर की सहायता से अपन सेल काउंट इजीली कर सकते हैं, इसलिए न्यूबार चैम्बर लेते हैं, क्योंकि विदाउट चैम्बर या फिर हेमेटोसाइटोमीटर के अपन सेल काउंट करना इम्पॉसिबल होता है। एंड नेक्स्ट लेते हैं माइक्रोस्कोप, न्यूबार चैम्बर के बाद में लेते हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन इजीली काउंट कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं ये भी समझिएगा। देखिए नेक्स्ट होता है अपना प्रोसीजर, स्टेप होता है प्रोसीजर, उससे पहले कि अपन कुछ भी न्यूबार चैम्बर के बारे में समझ लें कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। न्यूबार चैम्बर देखिएगा, न्यूबार चैम्बर ये होता है, न्यूबार चैम्बर डिवाइड होता है नो स्क्वायर में डिवाइड होता है। तो डब्ल्यूबीसी के लिए अपन लेते हैं डायरेक्टली न्यूबार चैम्बर को, तो इसका न्यूबार चैम्बर नो स्क्वायर में डिवाइड होता है, तो इसके कॉर्नर स्क्वायर लिया जाता है। डब्ल्यूबीसी काउंटिंग के लिए ओनली फॉर कॉर्नर स्क्वायर लिया जाता है। देखिए डब्ल्यूबीसी काउंटिंग के लिए न्यूबार चैम्बर का ओनली फॉर कॉर्नर स्क्वायर लिया जाता है, जैसे कि आपने देखा था आरबीसी काउंटिंग के लिए, आरबीसी काउंटिंग के लिए ओनली फॉर ऐसे सेंट्रल स्क्वायर को लिया जाता था, जो सेंट्रल स्क्वायर है 25 स्क्वायर में डिवाइड होता था, वो 25 स्क्वायर भी सब डिवाइड होते थे 16 स्क्वायर में, तो ये होता था। लेकिन ओनली फॉर अपन को कुछ नहीं करना, डब्ल्यूबीसी के लिए कॉर्नर स्क्वायर को लिया जाता है, ओनली फॉर 4 कॉर्नर स्क्वायर लिए जाते हैं, जो भी ये कॉर्नर स्क्वायर है ये सब डिवाइड होते हैं 16 स्क्वायर में, ओके जी। ये हैं 16 छोटे छोटे स्क्वायर में डिवाइड होते हैं, मतलब ये टोटल हो गए 16, इसके अंदर भी 16 होते हैं, इसके भी 16 होते हैं, इसके भी 16 होते हैं, तो 16 ये 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ये होते हैं 64, मतलब कि
64 स्मॉल स्क्वायर होते हैं डब्ल्यूबीसी काउंटिंग के लिए न्यूवर चैंबर के अंदर। ओके, ये थोड़ा सा प्रोसेस था इसका। नेक्स्ट इसका प्रोसीजर देखते हैं कि प्रोसीजर क्या करते हैं। ये तो अपन को समझने वाली बात थी, बस मेन बात देखते हैं अपन। देखिए प्रोसीजर क्या होता है डब्ल्यूबीसी काउंटिंग के लिए, प्रोसीजर कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है इसका देखते हैं। देखिए टेक 0.5 ml ब्लड एंड पिपेट, जो कि अपन ने देखा था इस पिपेट के अंदर ओनली 4.5 ml ब्लड लेते हैं, यहाँ तक अपन ब्लड भरते हैं इसके अंदर। देन आफ्टर देखते हैं वाइप ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड, जो भी अपन ने कोई भी टेस्ट ट्यूब से इसमें इसके अंदर ब्लड लिया था 0.5 ml, उसके बाद में उसके ये टिप होती है, इसे वाइप ऑफ, इट मीन्स पहुँचते हैं कुछ भी कॉटन की सहायता से पहुँचते हैं एंड टिप ऑफ पिपेट, मतलब कि इसकी टिप पे कुछ ब्लड लग जाता है तो उसे कुछ कॉटन की सहायता से एक्स्ट्रा ब्लड पहुँचते हैं। देन आफ्टर टेक 11 ml ब्लड, मतलब कि टेक 11 ml WBC डायरेक्टिंग फ्लूइड इन पिपेट, उसके बाद में उसे पहुँचते हैं, उसके बाद में 0.5 ml में अपन ने ब्लड लिया था, उसके बाद में जो भी ये 11 mark है ना, इस तक अपन इसके अंदर डायलूटिंग फ्लूइड लेते हैं, यहाँ तक डायलूटिंग फ्लूइड लेते हैं, डायलूटिंग फ्लूइड है ना। उसके बाद में देखिए क्या करते हैं, मिक्स करते हैं इसको। देन आफ्टर मिक्स करते हैं, उसके बाद में ये जो ये लिया था इसे मिक्स करने के बाद में कुछ देर छोड़ देते हैं। उसके बाद में अपन देखिए नेक्स्ट करते हैं कि प्लेस कवर स्लिप ऑन न्यूवार चैम्बर, न्यूवार चैम्बर के ऊपर कवर स्लिप रखते हैं। देन आफ्टर वो कवर स्लिप करती है कि बैक्टीरिया वायरस जो भी होते हैं एनवायरमेंट से उनसे बचाती है इसे, क्योंकि अपन जो भी अपन ने डाल्टिन ब्लड और ब्लड लिया था तो इसके कवर स्लिप को उनके ऊपर रखते हैं, क्योंकि क्यों रखते हैं, क्योंकि न्यूवार चैम्बर के अंदर अपन को ब्लड और ये डालना है, तो उसके बाद में उससे पहले कि कवर स्लिप एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन होने का डर होता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, कवर स्लिप रखते हैं न्यूवार चैम्बर के ऊपर। देन आफ्टर अपन इसके अंदर देन आफ्टर अपन लेते हैं कि कवर स्लिप रखी थी उसके ऊपर, तो न्यूवार चैम्बर देखते हैं कवर स्लिप ऑन न्यूवार चैम्बर, फिर आफ्टर चैम्बर, चैम्बर के ऊपर अपन ने कवर स्लिप रखी थी। देन आफ्टर उसके अपने जो भी प्रिपेयर था उसे टच करते हैं, टच द टिप ऑफ प्रिपेयर ऑन चैम्बर ऑन एज ऑफ चैम्बर, इट मीन्स जो भी अपन की प्रिपेयर थी उसके टिप को चैम्बर के कॉर्नर से टच करते हैं। देन आफ्टर चार्ज ऑफ द चैम्बर चार्ज करते हैं, चार्ज करना होता है कि जैसे अपने ब्लड और उसके अंदर डाइल्यूटिंग फ्लूइड था पिपेट के अंदर, उसको अपने इसके अंदर डालते हैं न्यूबार चैम्बर के अंदर डालते हैं, तो मतलब कि न्यूबार चैम्बर को फ्लूइड से भरने की प्रक्रिया होती है वो चार्जिंग बोली जाती है, मतलब कि चार्जिंग ऑफ चैम्बर। तो अपन चार्ज करते हैं चैम्बर को, क्योंकि उसके अंदर चार्ज करने की प्रोसेस होती है कि ब्लड को या फिर ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को उसके अंदर डालना, चैम्बर के अंदर डालना या फिर चैम्बर ओपन करना की प्रोसेस होती है चार्जिंग ऑफ चैम्बर। ओके जी, देन आफ्टर लीव ऑफ द चैम्बर 3 मिनट के लिए चैम्बर को छोड़ देते हैं, लेकिन उससे पहले अपन को ध्यान देने वाली बात होती है नो ईयर बबल्स, मतलब कि उससे पहले अपन को ध्यान देने वाली बात होती है कि जो भी अपन ने ब्लड डाला था चैम्बर के अंदर, तो उससे उसमें उसके ऊपर अपन ने पहले ही कवर स्लिप रख दी थी चैम्बर पर, उसके बाद में कवर स्लिप रख के टिप को टच करके उसे चार्ज करते हैं, मतलब कि उसके अंदर अपन ब्लड डालते हैं। ब्लड डालने के बाद में उसके अंदर कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई भी हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, एंड देन आफ्टर उसको उससे एक्स्ट्रा ब्लड भी नहीं निकलना चाहिए, ये अपन को ध्यान देने वाली बात होती है। उसके बाद में एडजस्ट करते हैं, मतलब कि चार्ज कर दिया उसे 5 मिनट के लिए, 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जो भी डब्ल्यूबीसी है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगी एंड
नेक्स्ट देखते हैं एडजस्ट चेंबर ऑन माइक्रोस्कोप उसके बाद में अपन एडजस्ट करते हैं चेंबर को माइक्रोस्कोप में, मतलब कि ऑब्जर्व करेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से। ओके ये होता है चेंबर को उसके अंदर लगाते हैं एंड काउंट द डब्ल्यूबीसी इन माइक्रोस्कोप। ओके उसके बाद में डब्ल्यूबीसी की डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो WBC के अंदर अपन क्या देखते हैं, देखिए मतलब कि देखते हैं उसके अंदर ऑन चैम्बर चार कॉर्नर स्क्वायर, चार कॉर्नर स्क्वायर जो भी चार कॉर्नर स्क्वायर है ना, ये सब डिवाइड होते हैं अंदर देखते हैं जो भी चैम्बर है उसको अपने देखा था कि न्यूबर चैम्बर चार कॉर्नर स्क्वायर लेते हैं वो सब डिवाइड होते हैं 16 स्मॉल स्क्वायर में, तो 64 स्मॉल स्क्वायर चेक करते हैं अपन सब डिवाइड होते हैं तो 4 * 16 = 64 स्मॉल स्क्वायर, मतलब कि 64 स्मॉल स्क्वायर के अंदर अपन को WBC काउंट करनी होती है। उसके बाद में जो भी WBC निकलती है वो अपन डायरेक्टली इसकी काउंटिंग करते हैं। ये देखते हैं ये हुआ इसका प्रोसीजर, मतलब कि देखिए पॉइंट पास अगर अपने ब्लड लिया था पिपेट के अंदर एंड देन आफ्टर उसे एक्स्ट्रा ब्लड को पहुंचा, उसके बाद में उसके अंदर पॉइंट 11 मार्च तक उसके अंदर WBC डालकर इंक्लूड लिया, WBC डालकर इंक्लूड के बाद में उसे मिक्स किया और 5 मिनट के लिए रख दिया, देन आफ्टर कवर स्लिप रख दी अपन ने न्यूबर चैम्बर के अंदर एंड न्यूबर चैम्बर के टिप को न्यूबर चैम्बर पर WBC पिपेट है उसकी टिप को टच करते हैं एंड चार्ज करते हैं चैम्बर को। ये प्रोसेस चार्जिंग ऑप्शन चैम्बर बोली जाती है एंड उसके बाद में अपन एडजस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप में एंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं 64 स्मॉल स्क्वायर एंड ये हुआ काउंट WBC। ओके 64 स्क्वायर में अपन काउंट करते हैं WBC, ये हुआ इसका प्रोसीजर। देन आप देखते हैं इसकी कैलकुलेशन, ठीक है कैलकुलेशन क्या होती है, कैलकुलेशन में बिल्कुल इजी है, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट फॉर्मूले की सहायता से अपन कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन होती है इसकी PLC मतलब कि टोटल लिकोसाइट काउंट करने का फॉर्मूला होता है N×50। ओके इस फॉर्मूले की सहायता से अपन डायरेक्टली TLC या फिर WBC काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए N हुआ नंबर ऑफ सेल, ओके N नंबर ऑफ सेल होती है एंड इसकी नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, नॉर्मल रेंज क्या होती है तो देखिए नॉर्मल रेंज मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर होती है, इसकी मेल्स के अंदर देखते हैं नॉर्मल रेंज डायरेक्टली इसकी ये होती है, देखिए मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर ये होती है इसकी 4,000 से 11,000 क्यूबिक mm। ओके जी ये होता है इसका नॉर्मल रेंज होता है 4,000 से 11,000 जो कि मेल्स फीमेल में इक्वल होता है। ओके जी ये इसका प्रोसीजर कैलकुलेशन एंड रिक्वायरमेंट प्रिंसिपल हुआ, ये अपना टेस्ट हुआ TLC। ओके जी बने रहिएगा मेडिकल LT के साथ में, प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस कमेंट। ओके बाय बाय।